आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पांचवी बार चैंपियन बन गई है। जितनी बड़ी उनकी ये जीत है, उतनी ही तेजी से ये खबर भी वायरल हो रही है कि टीम की मैनेजमेंट ने मैच जीतने के बाद आईपीएल की ट्रॉफी को चेन्नई के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के श्री चरणों में अर्पित किया और स्पेशल प्रेयर्स यानी विशेष प्रार्थनाएं भी करवाई। तब से ये प्रश्न भी उतना ही वायरल हो रहा है कि क्या ऐसी स्पेशल प्रेयर्स करवाना सही है। बिल्कुल सही है। सनातन संस्कृति कहती है कि हमें जीवन में जो भी मिलता है वो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही मिलता है, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए हम उसे भगवान को ऑफर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, यानी थैंक यू कहने का एक तरीका। प्रेयर्स हमारे मन का, हमारे विचारों का दर्पण होती हैं। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो उसे थैंक यू कहना तो बनता है ना। जैसे अंबानीज ने अपनी टीम मुंबई इंडियंस की जीत के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी ट्रॉफी रखी एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि एक ग्रेटफुल मन, एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी के भी द्वारा उसके लिए की गई छोटी से छोटी हेल्प का, गिफ्ट का, कृपा का आभार मानता है और प्रशंसा करता है। ये एक ऐसी भावना है जिससे व्यक्ति हमेशा खुश, संतुष्ट और पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो हर छोटी सी चीज के प्रति भी ग्रेटफुल होता है तो अपने जीवन के कप को आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ देखता है, इसलिए उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर बहुत आसान हो जाता है किसी की प्रशंसा करना या भगवान के समक्ष प्रार्थना करना, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमारे माता पिता हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी प्राप्त होने पर उनका धन्यवाद कहना और दिल में कुछ भी इच्छा होने पर उनसे प्रार्थना करना एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन प्रार्थना करते समय वो अच्छी तरह से जानती है कि मेहनत बच्चे को ही करनी होगी, लेकिन मेहनत के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बच्चे की हेल्थ ठीक रहे, एग्जाम्स के लिए जाते समय उसे देर ना हो जाए ट्रैफिक में, एग्जाम्स में बच्चे को सब याद रहे, वो भूल ना जाए, इसलिए एक माँ प्रार्थना करती है। लेकिन रिजल्ट के लिए पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहती है, क्योंकि वो जानती है कि हमें शक्ति, बुद्धि, एनर्जी और सब कुछ देने वाले भगवान हैं। इसी तरह हमें भी जीवन में यदि कोई सफलता मिले तो भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हुए उन्हें धन्यवाद रूपी प्रार्थना अवश्य करते रहनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।